दिस इज द टेक्निकल अमन, याद अच्छे से नाम रखिएगा क्योंकि आपको इसे सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, इस वीडियो को शेयर भी करना है, खास करके कमेंट भी करना है। व्यू तो हो ही जाएगा अगर आप इस वीडियो को खोलेंगे तो। तो मैं आज को आप दो ऐप्स के बारे में बताऊंगा जिससे आप अगर पोकेमॉन लवर हैं, पोकेमॉन गेम्स खेलना पसंद करते हैं, पोकेमॉन की सारी चीज़ देखना पसंद करते हैं, तो आपको मैं ऐप्स के बारे में बताऊंगा। तो वो आप यहाँ मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ ये दो ऐप है, डाटा डेक्स और एक वेब ब्राउज़र बीटा। आप इन दोनों को प्ले स्टोर से सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। साइन इन करने के लिए भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती वेब ब्राउज़र बीटा में। और पोकेडेक्स में आपको मेल, आपको डेट ऑफ बर्थ पे भर के आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है और ये डायरेक्ट यहाँ पे ऐसा स्क्रीन खुल जाएगा जिस पे आप दुनिया भर की पोकेमॉन्स को देख सकते हैं, ठीक है। और इसमें और एक फीचर्स है, अगर आपको फेवरेट मिली तो आप इस पे फेवरेट पे कर सकते हैं, इस पे वापस क्लिक करके आप वापस रिटर्न आ सकते हैं। अगर आपको जनरेशन चाहिए तो मैं जनरेशन पे क्लिक करता हूँ। जनरेशन पे तो मुझे तो इन सभी के बारे में नहीं पता, मुझे सभी के बारे में देखना पड़ेगा। वाह, ये तो 4 4 3 इतना बार उठी हो दवा। तो ये एक मिनट, तो ये जो पोकेमॉन, ये सेम टू सेम यूनोवा रीजन में भी है। यूनोवा रीजन में भी सेम पोकेमॉन टीम रॉकेट के जेम्स के पास होता है। मैंने वो पूरा रीज़न देखा है, बहुत अच्छा रीज़न है। तो मेरा फेवरेट नहीं है, मेरा फेवरेट तो एक्स वाई है, गोटा कैच। तो मैं गोटा कैच के बारे में आपको मैं ज़रूर बताऊंगा। अभी पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि ये देखिए, यहाँ पे आपको ऑल टाइप्स में, आपको ऑल टाइप्स के पोकेमॉन के बारे में पता चल जाएगा। आप जिस पे फेरी पे क्लिक करेंगे, फेरी टाइप पोकेमॉन यहाँ आ गए। बस इतना ही चीज़ है। अगर आपको कोई पोकेमॉन सर्च करना है तो यहाँ आपको क्लिक करना है, सर्च पे क्लिक करना है। और यहाँ पे जैसे मैं पिकाचू को सर्च करूँगा, द फेमस, तो यहाँ बहुत सारे पिकाचू आए हैं। तो हमारे पिकाचू है पार्टनर पिकाचू, इसलिए यहाँ पे हमें सेटिंग करना है। और देख सकते हैं 300 करना है आपको इसे 300 पे। और फिर यही थी हमारी, और कुछ नहीं। अरे हाँ, मैं तो एक चीज़ बोलना भूल ही गया, गलती से मिनिमाइज़ हो गई थी। तो यहाँ पे अगर आप इसे पोकेडेक्स की तरह बनाना चाहते हैं तो आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है। और ये बोलने, ये बिल्कुल, अगर आप ईयरफोन लगाए तो आपको ईयरफोन बोलेगा या फिर लाउड स्पीकर में सेट करके बोलेगा। तो यही थी फर्स्ट ऐप। तो हम सेकेंड ऐप के बारे में जानते हैं, वेब ब्राउज़र बीटा। आपको इसमें कोई साइनिंग नहीं करना पड़ेगा। तो अगर जैसे ही आप आएंगे वेब ब्राउज़र बीटा खोलेंगे तो आपको सिंपल एक ये वाली पेज दिखेगी जहाँ पे आपको बहुत सारे ऐप्स यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास वो इंस्टॉल होंगे। और अगर आपको पोकेमॉन की न्यू सीज़न देखनी है, और पुरानी सीज़न भी आप इस पे देख सकते हैं, वो आपको टून्स की दुनिया पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप अलग अलग टाइप के कार्टून देख सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश, सिंपली एक ऐप को स्किप करना है। और अगर आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है गोटा कैच। इंग्लिश में एपिसोड्स हैं, HD में आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। और थोड़ा नीचे स्वाइप करते ही आपको यहाँ मिलेगा, एक सीरियसली बोल रहा हूँ मैं, हिंदी सबडेड गोटा कैच। अब तो आराम से आपको देखना पड़ेगा इस ऐप को, तो आप डाउनलोड करना है, इसे देखना है। इसे देखने के लिए आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। और ये क्या हो गया, एक मिनट, मैं इसे अपनी वाईफाई तो ऑन रख रहा हूँ, पता नहीं इसमें क्या गड़बड़ी आ गई, हटाओ इसे। ये ऐप मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, तो हमें इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे देख सकते हैं आ गया पोकेमॉन एपिसोड्स, ये Season 3 लैंग्वेज जापानी विद हिंदी सबलिट्स। ओह, मैं समझा यहाँ क्या है, यानी कि नीचे में हिंदी में लिखाएगा, यानी आप इसमें हिंदी में पढ़ सकते हैं। सो पता नहीं, अभी शायद इस पर हिंदी वॉइस भी आएगी,
लेकिन अभी काम चलाने के लिए गोटा कैच न्यू सीरीज है, उसको देखने के लिए वो भी हिंदी में, तो आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे आपको टोटल 23 एपिसोड्स मिलेंगे रजिस्टर्ड, और बाकी के रजिस्टर नहीं हुए हैं, धीरे धीरे वो भी हो जाएंगे। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ लाइक या सब्सक्राइब कमेंट, और नाम क्या याद रखना है, टेक्निकल अमन, और हमेशा सब्सक्राइब किए रहना, ऐसे नहीं कि कभी अनसब्सक्राइब कभी सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूँगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगी अपनी नोटिफिकेशन बार में। सो अब मैं आपको बताता हूँ, मैं दो वीडियो के बीच में कंफ्यूज हूँ कि मैं पोकेमॉन गो का वीडियो पहले डालूँ या एज़ ग्रेनिंजा और ग्रेनिंजा के बीच में डालूँ वीडियो। डिफरेंस पता करेंगे कि एज़ ग्रेनिंजा ज़्यादा ताकतवर है या ग्रेनिंजा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। सो दिस इज़ टेक्निकल अमन साइन।